हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा BA LLB फिफ्थ ईयर और LLB थर्ड ईयर का मेन एग्जामिनेशन पेपर। उस एग्जामिनेशन को देख लेते हैं। इस एग्जाम में है आपका एनवायरमेंट लॉ एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स प्रोटेक्शन, यानी कि जो आपके आप जहां जू में घूमने जाते हैं वहां पर जो आपको मिलते हैं एनिमल्स, उनका प्रोटेक्शन है। और ये 1886 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। सेक्ट को देख लेते हैं क्या है इसके बारे में और कितनी इसकी जो है आपको आंसर की मैं प्रोवाइड करा देता हूं, कितना आपका अटेंशन है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हर बार की तरह इसमें भी 100 क्वेश्चन है, 80 आपको करने हैं। देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान संशोधन के द्वारा वन और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। इसका आंसर था आपका, इसका आंसर है 42। इसका आंसर है 42। ये है इसका आंसर कि 42 में संशोधन में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं। इसका आंसर है 66। ओके, एमसी मेहता बनाम भारत संघ ए ऑल इंडिया एंक, और ये है 1978 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, ये जो है आर्टिकल 21। ओके, मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक एवं अन्य अधिकारियों को नियुक्त वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किस धारा में की जाती है। इसका आंसर है आपके सामने, ये है 4। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस धारा 2A के अंतर्गत पशु में क्या सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, ये सभी, उपयुक्त सभी। ओके, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस 2(5) के तहत बंदी पशु कौन सा होता है, उपयुक्त डी इसका आंसर होगा। ओके, 7, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्योगों की घोषणा की थी, इसका आंसर है 35। ओके, इसका आंसर है 35। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द अमेंड इंप्लीमेंटेड फर्स्ट, यानी फर्स्ट कौन सा लागू हुआ था, सबसे पहले लागू क्या हुआ था, तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में पर्यावरण की परिभाषा दी गई है, इसका आंसर है ए। ठीक है, इन विस सेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैजर्ड ऑफ सब्सटेंस हैज बीन डिफाइंड, वो है सेक्शन 2E। ओके, यानी कि आपका बी है इसका, ये वाला। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्मित किया गया था, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज 1986 वाज इनेक्टेड अंडर विच द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल में है, इसका है 253 में। ओके, अनुच्छेद 253 भारतीय संविधान का किसके संबंध में है, किसके संबंध में है, यह है अंतरराष्ट्रीय समझौते। संपूर्ण भारत में पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम 1986 किस दिनांक वर्ष में लागू हुआ था, इसका आंसर है बी। ओके, इन विच ईयर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज 1986 केम इनटू द फोर्स, यानी कब लागू हुआ था, यह भी है 1986। ओके, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, ये है 42वें संशोधन पर। ओके, पर्यावरण की संरक्षण के अधिनियम में 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं, इसका आंसर है 26। ठीक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितने अध्याय हैं, इसके आंसर है 4। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार किस का दायित्व है, किसका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। ठीक है, कितना है, संवैधानिक दायित्व है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में प्रथम कहाँ हुआ था, इसका आंसर होगा स्वीडन। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन स्वीडन स्कॉट होम में कब हुआ, इसका आंसर है 5 जून 1972 को। ओके, 1972 को। पर्यावरण में क्या सम्मिलित
है। ठीक है, उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यह वैश्विक जलवायु का परिवर्तन में क्या सम्मिलित है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन में क्या सम्मिलित है, देखिए इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ओके, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए संबंधित है, इसका आंसर है 48 का ए यानी का। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी जो है किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1984 2 दिसंबर यानी 2 दिसंबर 1984 को। प्रदूषक भुगतान करें का सिद्धांत किस वाद में दिया गया है, इसका आंसर है द इंडियन काउंसिल फॉर इनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा आपका नागपुर। भौतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, भौतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, इसका आंसर होगा डी। ओके, इंडियन काउंसिल फॉर इनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ में किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, पॉल्यूटर टू पे ऑफ लाइबिलिटी। ओके, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा संवर्धन और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहने का मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, ये है आपका बी, ये है आपका बी। भारत का हरित अधिवक्ता किसको कहा जाता है, एमसी मेहता, क्योंकि एमसी मेहता ने इसके लिए आंदोलन किया था। ओके, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें या और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये है अनुच्छेद 51 का। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण दायित्व का नियम एम सी मेहता किस वाद में स्थापित किया, किस वाद में किया, ओलियम गैस रिसाववाद। ओके, पोषाहार स्तर में और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, आर्टिकल 47 में। ओके, अनुच्छेद 48 का क्या जो का और 51 का भारतीय संविधान से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से किस राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान किस राज्य से स्थित है, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान का निदेशक कौन है, अतुल नारायण, इनका नाम है अतुल नारायण वैद। रायलैंडस बनाम फ्लेचर का वाद किससे संबंधित है, इसका आंसर होगा सी, कठोर दायित्व से। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है, इसके उपरोक्त सभी, चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन और आपका यह है अपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपको भी पता होगा, वनों के कटान के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में सार्वजनिक उपताप किया गया है, किस धारा में किया गया है, यह है 268। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में 278 के अंतर्गत वातावरण को स्वच्छ स्वास्थ्य के प्रति दूषित करने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, इसका आंसर है अप टू 500। ओके, भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा सार्वजनिक झरने का जलाशय के पानी दूषित करने के संबंधित में है, यह है 200 277। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 किस आदेश व नियम में स्थायी व्यादेश दिया गया है, इसका आंसर है आपके सामने 39 का ए। ओके, ब्राजील के रियो जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, यह हुआ था 1992। ओके, स्कॉट होम सम्मेलन 1972 में किस भारतीय
प्रधानमंत्री ने भाग लिया था? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया था? इसका आंसर है इंदिरा गांधी। ओके, ये मुझे डाउटेबल क्वेश्चन लग रहा भाई, एक बार मैं इसे चेक कर लूंगा। ठीक है, पृथ्वी पर प्रत्येक जीव की मूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, किंतु किसी की लालच पूरी की जा सके यह संभव नहीं है। यह कथन किसका था? यह कथन था महात्मा गांधी का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में पर्यावरण संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? ऑल ऑफ दीज। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संसद किस दिनांक को पारित हुआ? इसका आंसर होगा आपका 23 मई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के क्या उद्देश्य हैं? 1986 के क्या उद्देश्य हैं? इसका है उपयोग डी। फटाक से अब मैं जल्दी से सारे क्वेश्चनों के आंसर दे देता हूं, आप इनके आंसर सीट को मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 51 का है आपका डी, 51 का है डी, 52 देखेंगे, 52 का है बी। ओके, 52 का है बी, 53 का है बी। ओके, 53 का है बी, 54 का है आपका डी, 55 का है आपका डी, 56 का है आपका ए। ओके, 57 देखेंगे, 57 का है डी। ओके, 58 देखेंगे, 58 का है बी। ओके, 59 का है आपका सी। ओके, 60 का देखेंगे 23 मार्च। ओके, 61 का देखेंगे, 61 का है 62 बी, 62 का है आपका, 62 का आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 44। ओके, 63 का देखेंगे, 63 का आप जब आंसर देखेंगे तो आपको मिलेगा 64, 64 का देखेंगे आप आंसर मिलेगा आपको सेक्शन 33, 65 का देखेंगे आपको तो वहां मिलेगा 51। ओके, क्या मिलेगा? 51। 66 का देखेंगे तो बी आंसर है, 67 का आप देखेंगे तो सी आंसर है इसका, 67 का सी। ओके, 29, 68 का देखेंगे तो इसका आंसर है बी। ओके, 69 का देखेंगे आप तो इसका आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर होगा सी। 70 का देखेंगे, 70 का आंसर होगा सी। 71 का देखेंगे तो 71 का है इसमें नीलम संजीव रेड्डी, ये है इसका आंसर। 29 मार्च 1981 में ये हुआ था, यानी कि प्रेसिडेंट गिव ऑफ द एयर पॉल्यूशन एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट जो था वो 1981 में दिया गया था 29 मार्च को। 1981 में जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, वायु प्रदूषण की बात करते हैं, वायु प्रदूषण का इसका आंसर होगा कितने अध्याय हैं? 7। भोपाल गैस त्रासदी, ये तो सबको बताया, मिसाइल आर्सेनिक से थी। ओके, 74 का आंसर होगा ए, 75 का होगा डी। ओके, 76 का होगा आपका आंसर ए, 76 का, 77 का आंसर होगा सी, 78 का होगा बी, 79 का होगा बी, 79 हो गया, 80 का होगा डी, डेसिबल में नापते हैं ध्वनि को। ओके, इसका आंसर होगा 81 का डी, 82 का आंसर होगा ए। ओके, 83 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 83 का जो आंसर है वो है डी, 84 का जो आंसर है वो भी है डी। ओके, 85 का जो आंसर है वो है बी, 86 का आंसर जो है वो है डी। ओके, 87 का जो आंसर है वो भी है डी, और 88 का जो आंसर है वो है डी। ओके, 89 का जो आंसर है वो है एम सी मेहता बनाम भारत संघ। ओके, 90 का जो आंसर है वो है वन सुरक्षा, ओके, फॉरेस्ट सिक्योरिटी। 91 का है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, 92 का है नर्मदा बचाओ आंदोलन, 93 का है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष कब हुई थी? ये हुई थी 2010 में 18 अक्टूबर को, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर है नई दिल्ली। देखिए, इसका जो हेड ऑफिस है, इसने कहा है
हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर की बात की है तो वो नई दिल्ली है, बाकी की इसकी प्रिंसिपल ब्रांचेस जो हैं वो हैं न्यू दिल्ली में भी है और आपका भोपाल में भी है, आपका पुणे में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है। अब ये जो ब्रांचेस हैं ये बनाई हैं ऑल ओवर इंडिया में, आपको एरिया वाइज बनाई गई हैं, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग इन्हें बनाया गया है। तो भोपाल में भी है आपका, चेन्नई में भी है, पुणे में भी है, कलकत्ता में भी है, ये तो है एरिया वाइज। अब न्यू दिल्ली जो है इन सब का मुख्यालय है। ओके 95 का आंसर है एमसी मेहता, 96 का आंसर है बी, ओके 97 का आंसर है, 97 का आंसर है सी बी, सॉरी बी आंसर है 98 का। देखिए इसका आंसर मुझे इसमें मिला ही नहीं, इसका आंसर इसे मुझे मिला ही नहीं क्योंकि ये मैंने किया नहीं। फिर आपको मैं बता दूं कि जो है 10 अक्टूबर को जो बनाया जाता है वो मेंटल हेल्थ डे, और 51 जून को जो बनाया जाता है वो योगा डे, एंड 26 नवंबर को जो बनाया जाता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस, और 5 सितंबर को जो बनाया जाता है वो टीचर्स डे। अब इन्वायरमेंट की कह रहा है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट की कह रहा है, इसमें वर्ल्ड लगा है यानी कि विश्व का दिवस पूछ रहा था, तो मैं इसकी ओर नहीं जाऊँगा क्योंकि आई डोंट आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन, ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं 99 दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में सार्वजनिक उपताप हटाने के लिए सशर्त आदेश दिया जाता है, सशर्त आदेश जो दिया जाता है वो है आपका सेक्शन 133, क्या है सेक्शन 133। अब है 100वां क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वो है देहरादून। ओके ये थे आपके 100 के 100 क्वेश्चन, जो कि इनमें से मैंने एक या दो क्वेश्चन डाउट में रखे होंगे, आप भी अपने क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं। यदि आपका स्कोर 100 के आसपास बनता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मेरा स्कोर इतना बन रहा है। और हाँ फिर से मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कंटेंट विद कमेंट करिए और हम उसे नेक्स्ट वीडियो में चेंज कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।